नमस्कार शारदा पांडे, आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। जैसा कि उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, उत्पन्ना एकादशी का ये महत्व है कि इस दिन एकादशी का उत्पत्ति हुआ था, यानी उत्पन्न हुई थी। तो तमाम हमारी बहनें, बेटियां, माताएं पूछती हैं और तमाम भाई भी पूछते हैं, उनको एकादशी का व्रत कब से उठाना चाहिए। उनको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठा के आप चौबीसों एकादशी कर सकते हैं, या अपने मान्यता के अनुसार। जैसे किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्रदा एकादशी, किसी के पितरों को शांति चाहिए यानी मोक्ष चाहिए तो मोक्षदा एकादशी, इसी प्रकार से किसी को किसी चीज़ में सफलता चाहिए तो सफला एकादशी। तो ऐसे क्रम से सब एकादशियाँ हैं। तो कोई कोई लोग चौबीसों एकादशी करते हैं यानी हर एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग उनको विशेष फल प्राप्ति के लिए व्रत करना होता है। तो आपको जो कामना हो उस चौबीसों एकादशी में, उस एकादशी का आप विधिवत अनुष्ठान करके, पूजन करके, व्रत करके उद्यापन करें तो आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति मिलती है। तो मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में बता रही हूँ। इसके पहले पिछले साल हम एकादशी का पूजा भी करके दिखाए हैं, आप उसको सर्च करके जरूर देखें। ऐसा मैं बताई हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन आंवले का भोग लगा के, आंवला चढ़ा के और ब्राह्मण को दान दे दिया जाए तो स्वर्ण दान के समान माना जाता है। उसी प्रकार से एकादशी का विधि, मैं निराजली एकादशी आप सर्च करना तो उसमें मैं एकादशियों का विधि बताई हूँ, यानी कि एकादशी का पूजा पारण उद्यापन व्रत पूरा बताया गया है उसमें, कि कैसे चना खा के पारण करते हैं, कैसे चना को अपने पीछे अपने जो प्राश्चित जो हम गलती किए रहते हैं उनको स्वीकार करके चना से हम वार करते हैं अपने ऊपर, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। आप निराजली एकादशी सर्च करना। उसी प्रकार से मैं सभी अपने बहनों को, भाइयों को, बेटियों को, माताओं को बताना चाहूँगी कि अभी अगहन चल रहा है तो अगहन गुरुवार का भी वीडियो हम विधिवत डाले हैं, बताए हैं, आप उसको भी देखें। चार अगहन में चार गुरुवार पड़ता है जिसका भी व्रत विधिवत किया जाता है, जिसमें दरवाजे के मेन गेट पर माता लक्ष्मी का घर में आते हुए चरण चिन्ह बनाया जाता है। विधिवत बताई हूँ, आप सर्च करके जरूर देखें। उत्पन्ना एकादशी व्रत एगहन महीने के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी में पड़ता है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत करना चाहती हैं वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करके बाकी जो भी उनकी मनोकामना हो उस प्रकार से क्रम से जो भी एकादशियाँ आती हैं उसका व्रत आप कर सकते हैं। तो मैं छोटी सी कहानी है उत्पन्ना एकादशी की। एक दानव है मूर नामक दानव, जो कि काफ़ी उपद्रवी थे। तो वो उपद्रव इतना ज़्यादा किए कि स्वर्ग के सभी देवताओं को अपने उत्पात से और अपने सात सैनिकों को लेकर उत्पात करके सभी देवताओं को वहाँ से पृथक कर दिए, अलग कर दिए, वहाँ से भगा दिए। सभी देवता भय के कारण पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच रहने लगे। ये काफ़ी दिन मनुष्यों के बीच रहने लगे तो ये इंद्र को अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, बहुत उनको दुखद लगा। तो इंद्र देवता सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव से अपनी सारी समस्या बताते हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास सभी देवताओं के साथ जाएं और अपनी व्यथा को बताएं, भगवान जनार्दन आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। इंद्र सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और इंद्र सभी देवताओं के आगे आकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन आप जागिए, हमारे दुख को सुनिए, देवताओं को दुख को हरिए। और सभी कथा बताते हैं कि एक मूर नामक दानव बहुत ही उपद्रवी, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही रौद्र रूप से सभी देवताओं को स्वर्ग से पृथक कर दिया है, अलग कर दिया है और एक नया स्वर्ग, यानी कि जैसे कि कोई सत्ता से जाता है, कोई सत्ता में आता है तो अपना नया प्रभाव जो उसके मन में रहता है वो करता है। तो इंद्र बताते हैं कि देवता मूर नामक दानव इंद्र को हटा के नया इंद्र बना लिया है। इंद्र के सहित सभी पंच देवताओं को भी हटा के नए पंच देवताओं का अपने तरीके से स्थापना कर दिया है, जैसे सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण।
इन सभी पंच देवताओं को भी हटा दिए हैं और अपने तरीके से स्वर्ग का संचारण कर रहे हैं, और जितने भी देवता हैं वो सब मनुष्यों के बीच में भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ये सब बातें सुन के काफ़ी क्रुद्ध हुए और भगवान श्री हरि विष्णु पूछने लगे इंद्र से कि ये मूर नामक दानव कौन है और ये कहाँ रहता है। तो इंद्र ने बताया भगवान श्री हरि विष्णु से कि ये मूर नामक दानव तालजंग नामक दैत्य का पुत्र है, जो कि ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक दानव उत्पन्न हुआ था, उसी का पुत्र है मूर नामक दानव, जो कि काफ़ी उपद्रवी है, काफ़ी रौद्र है, काफ़ी विशाल काय है। वो दानव चंद्रावती एक नगर है, उस नगर में अपना स्थान बना के वहाँ पर रहता है और वहीं से सारे उपद्रव को संचालित करता है। भगवान श्री हरि विष्णु ये सब बातों को सुने और इंद्र और सभी देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी में पहुँचे और दानव को युद्ध के लिए ललकारे। दानव भी अपने सभी सैनिकों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री विष्णु अपने अस्त्र शस्त्रों से, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से और अपने चक्र से उसके सभी सैनिकों का संहार कर दिया और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। बद्रिका आश्रम में बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ जाके भगवान श्री हरि विष्णु निद्राश्रम में चले गए, यानी कि सो गए, और जो राक्षस था वो उस भगवान श्री हरि विष्णु के पीछे पीछे भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने के, लड़ने के और मारने के लिए पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश किया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता देख मूर नामक दानव काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, ये दैत्यों का शत्रु है विष्णु, इसको मारना अब सरल है, ये सो रहा है, हम इसको मार देते हैं। ऐसा उसके मन में विचार आते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से तेज निकला। उस तेज पुंज से एक बहुत ही सुंदर कन्या, सौभाग्यशाली कन्या प्रकट होती है और भगवान श्री हरि विष्णु के बगल में खड़ी होके वो कन्या बोलती है कि हे मूर नामक दानव, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ, और वो युद्ध करती हैं और उस कन्या के नेत्र के देखने का जो प्रभाव है उस प्रभाव से ही वो दानव जल के भस्म हो जाता है। उसके बाद भगवान जनार्दन, भगवान श्री हरि विष्णु जाग पड़ते हैं, जाग के देखते हैं कि वो दानव जल के राख के ढेर में परिवर्तित हो गया है और बगल में एक सुंदर सौभाग्यशाली बहुत ही रूपवती कन्या खड़ी है। भगवान श्री हरि विष्णु पूछते हैं, ये कन्या तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो कन्या बोलती है, हे देव, हम आपके ही अंश हैं और आपके ही शरीर से प्रकट हुए हैं। भगवान श्री विष्णु बोलते हैं कि इस दानव का संहार किसने किया? तो वो कन्या बोलती है, देवता, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से इस दानव का संहार हमने किया है। ये बात सुन के भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस कन्या से बोलते हैं, हे देवी, तुम एक बहुत बड़ा महान काम करी हो, जो कि देवताओं को प्रताड़ित करने वाले मूर नामक दानों को संहार करी हो और सभी देवताओं को उपद्रव और दुख से बचाई हो, तो आप मांगो, आपको जो भी देव दुर्लभ वर भी है वो भी हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो आप मांग सकती हैं। वो कन्या थी साक्षात एकादशी, जो कि इसी तिथि में अगहन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। तभी से एकादशी का पर्व मनाया जाने लगा। वो कन्या बोलती है कि हे देवता, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो आप हमको आशीर्वाद दो कि मैं सभी तीर्थों में श्रेष्ठ रहूं, सभी तिथियों में श्रेष्ठ रहूं, और जो हमारे तिथि को आपका व्रत पूजन करके हमारे तिथि को दान पुण्य करे, उसकी सभी सिद्धियां पूरी हों, मनोकामना पूरी हों, उसके सभी दुख दूर हों, आप यही वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं, देवी, ऐसा ही होगा। महाव्रता एकादशी ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु से वर पाके बहुत ही प्रसन्न हुई। तो सभी तिथियों में एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत करके एकादशी के नाम से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से मनुष्य को कोटि कोटि पाप किया हुआ नष्ट हो जाता है, उसके धर्म जागृत होते हैं, धर्म जागृत होते हैं, उसके कुल की जो समस्या होती है वो दूर होती है, ऐसे पद्म पुराण की मान्यता है। तो मैं आपको बताई हूँ छोटी सी एकादशी व्रत कथा। तो जैसे कि जितनी भी चौबीसों जो एकादशी होती हैं
तो उनके जो पूजा होते हैं थोड़ा सा पृथक, थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मैं पूजा दिखाई हूँ ये बेसिक पूजा है, सभी पूजा में वैसा ही पूजा आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा बताई हूँ। अब पूजन आप सर्च करके देखें, वैसा ही पूजन करें, और निराजली एकादशी सर्च करके देखें तो उसमें पूरा विधि दिया है कि कैसे एकादशी व्रत करने वालों को 3 दिवसीय नियम निभाना चाहिए, दशमी एकादशी और द्वादशी। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन ही नियम निभाना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत ही करना चाहिए और द्वादशी के दिन ही नियम निभाना चाहिए। इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।